गोट डिजिटल इंडिया के इस भाग में हम आपको रेडमी वाई वन लाइट फोन का टीयर डाउन करके आपको दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो आप इसके हर पार्ट को ओपन कर सकते हो और किस तरह से इसके जो पार्ट है उसको आप रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गो डिजिटल इंडिया को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, साथ में इस घंटे वाले आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इसका जो टीयर डाउन आपको करके दिखा देते हैं कि फोन का किस तरह से आप टीयर डाउन करना है, किस तरह से इसके जो रिप्लेसमेंट करना है इसके पार्ट को, और किस तरह से रिपेयरिंग करना है, और किस तरह से आप इस फोन के जो बैक पैनल है यानी कि बैक कवर है उसको आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से इसको पार्ट है उसको ओपन करना है। तो इसके लिए आपको कुछ टूल की रिक्वायरमेंट होगी और ये टूल मैंने आपके सामने वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं। इन टूल को आप मार्केट में आसानी से ले सकते हो और ये जो टूल है ये आपको मार्केट में ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो सिम इजेक्टर टूल है इसकी हेल्प से आप इसका जो सिम ट्रे है उसको बाहर निकाल दीजिएगा। तो चलिए हमने इसका जो सिम ट्रे है उसको बाहर निकाल लिया है। तो कुछ इस तरह से इसका जो सिम ट्रे आपको मिलता है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है कि ये जो बैक कवर ओपन टूल है इसकी हेल्प से आपको यहाँ इस पार्ट में जो स्पेस बनाना है यानी कि आपको बैक कवर इसका ओपन करना है। बैक कवर ओपन करने का वीडियो मैंने इसके अंदर पहले बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप जाके इसका बैक कवर किस तरह से जो ओपन होता है उसको आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो इसके अंदर स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं हम कहीं से इसके अंदर स्पेस बन जाए। तो चलिए यहाँ पे स्पेस इसके अंदर बन चुका है और ये स्पेस बनने के बाद इस स्पेस को आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलिएगा। तो चलिए ये स्पेस इसके अंदर बन गया है। वीडियो में कुछ आपको सही नहीं दिख रहा होगा बट इससे मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है तो वहाँ से भी आप जाके इसको वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से आप इसके बैक कवर उसको भी ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैंने इसके बैक कवर को लगभग ओपन कर लिया है और एक तीन तरफ से इसका बैक कवर है जो ओपन हो चुका है। चलिए फिर से मैं थोड़ा और यहाँ इसमें टूल लगा के इसको जो है आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ इसके स्पेस को। एक बार स्पेस बनने के बाद इस स्पेस को आगे की तरफ खिसकाते हुए चलते जाइएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने इसका जो बैक कवर है उसको ओपन कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो आप इसके रेडमी वाई वन लाइट फ़ोन है उसके जो बैक कवर है आज उसको जो आप ओपन कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका बैक कवर और कुछ इस तरह से आपको फ़ोन मिलता है और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लगा हुआ मिलेगा रेडमी वाई वन के अंदर। तो चलिए कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा बैक कवर ओपन करने के बाद। तो चलिए मैं इन के सभी स्क्रू को जो ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इसके सभी स्क्रू को जो ओपन कर लिया है। इन सभी स्क्रू के ओपन करने के बाद क्या करना है कि आपको इसका जो इसके जो ये पार्ट है इसको आप मैं उठा के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैंने इसके पहले पार्ट को उठा लिया है। तो इसके बाद ये जो प्लास्टिक कवर ब्लैक कलर का लगा हुआ है इसको भी मैं उठा लेता हूँ और कुछ इस तरह से जो आपका बोर्ड मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है कि आप इसके जो जैक लगे हुए यानी कि पीछे की तरफ के आगे की तरफ के यानी कि स्क्रीन स्क्रीन के टच के और माइक वगैरह के जो भी जैक लगे हुए हैं इन सभी को आप अलग कर दीजिएगा और जो बैटरी कनेक्टर है उन सभी को आप अलग कर दीजिएगा। ये सभी है जो कनेक्टर लगे हुए हैं या फिर आप इनको जो अपनी मर्जी से जो आप इनको नाम देना चाहे वो आप दे सकते हो। तो चलिए इन सभी को जो मैंने अलग कर लिया है, यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है और इसके बाद जो है इस बोर्ड को हम उठा देते हैं। तो कुछ इस तरह से जो आपको रेडमी वाई वन लाइट का है जो मदरबोर्ड आपको मिलता है और ये ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से मिलता है। यहाँ पे जो आपको सिम ट्रे जैक मिलता है और इसके अंदर आपको आईसी वगैरह कुछ मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका बैक कैमरा है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको भी आपको अलग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको अलग करना है। यहाँ पे जो इसका जैक लगा हुआ है इसको आप अलग कर लीजिएगा।
तो इस तरह से ये बैक कैमरा मिलता है आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है आपका जो बैक यानी कि फ्रंट कैमरा, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरे का जो है टूल आपको मिल जाता है, तो इसको भी आप अलग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिलता है, तो और यहाँ पे जो है आपको सेंसर एक्टिविटी मिलती है जो लाइटिंग वगैरह की होती है, और इसमें और आपको बताने लायक कुछ और नहीं है। तो चलिए इस तरह से जो आप इसका मदरबोर्ड आपको मिलता है। तो चलिए इसके बात करते हैं इसके बैक पैनल की बात। इसके अंदर बैक नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहले ये प्लास्टिक कार्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो लगा हुआ है, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है फ़ोन का, यहाँ पे आपको वाइब्रेटर इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए आपको इसका वाइब्रेटर जो है उसको अलग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने इसके जो वाइब्रेटर है उसको अलग कर लिया है, और यहाँ पे जो है आपको ये वाइब्रेटर पूरा तरीके से चिपका हुआ मिलेगा। तो आप इसको जो अलग करेंगे तो उस समय आपको ये अलग कर सकते हो। और इस तरह से बैक की तरफ भी आपको एक ये यहाँ पे जैक लगा हुआ मिल जाएगा। इस जैक को जो आप अलग कर लीजिएगा, और पीछे की तरफ इन जैक को अलग करने के बाद ये आपको छोटा सा जो है बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आपको चार्जिंग जैक वगैरह की सुविधा मिलती है। चलिए इन सभी को अलग करने के बाद हम इस बोर्ड को उठाने की कोशिश करते हैं। ये जो बोर्ड है ये बहुत ही पतला आपको मिलता है, तो आप इसको जो है बिल्कुल आराम से उठाइएगा। थोड़ी सी भी जल्दबाजी आपने की तो सोच लेना कि आप अपने फ़ोन को डेड कर चुके हैं, यानी कि टूट ही जाएगा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल पतली कंडीशन के अंदर आपको इसके अंदर मिला हुआ है। चलिए मैं इसको धीरे से उठाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैंने इसको उठा लिया है। तो कुछ इस तरह से है जो ये बैक मदरबोर्ड है आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग जैक ही मिलता है इसके अंदर लगा हुआ। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ इस तरह से ये बोर्ड मिलता है। इसके बाद आपको बैटरी रिमूव करना आपको सिखा देते हैं कि किस तरह से आप रेडमी वाई वन लाइट फ़ोन के जो बैटरी है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो दो टेप दिखाई दे रही होगी इनको आपको उठाना है, और उनके उठाने के बाद इनको जो है खींचना हुआ होगा। तो चलिए पहले मैं इन दोनों टेप को जो उठा लेता हूँ, उसके बाद इन टेप को जो आप खींचेंगे। तो चलिए टेप को मैंने उठा लिया है फिलहाल के लिए। तो चलिए इस तरह से आप इन टेप है इनको आपको खींचना होगा। तो चलिए मैं इन टेप को जो है खींचता हूँ। ये थोड़ा पहले थोड़े चिपके हुए आपको मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे इनको खींचेंगे तो जो बैटरी के नीचे से जो रबड़ है ये निकलता जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको इस को जो है खींचना होगा। तो चलिए मैं इनको खींचता हूँ। तो चलिए एक ये निकल चुका है, एक निकालने के बाद दूसरा भी हम निकाल लेंगे। चलिए दूसरे को निकालने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इनको खींचना है, एकदम जोर लगाएंगे तो ये टूट ही जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इनको धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो चलिए ये खींचना स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए, तो इस तरह से जो आप रेडमी वाई वन लाइट फ़ोन के जो बैटरी है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो चलिए मैंने इसका जो बैटरी है उसको रिमूव कर दिया है। तो आपको इस तरह से रेडमी वाई वन लाइट फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है इस तरह से आपको मिलता है, देखने में इस तरह से है ये। और जो स्क्रीन है यानी कि मेटल बॉडी के अंदर लगी हुई है, तो इस तरह से आपको इसको देखने में मिल जाती है। अगर आप इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस पार्ट को जो स्क्रीन को यानी कि हिट करना होगा, और यहाँ से आप स्क्रीन उठाने वाले टूल की हेल्प से इसको ऊपर उठा सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन को है जो उसके हर पार्ट को ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई पार्ट है उसको रिप्लेसमेंट करना चाहे तो आप इसको इस तरह से पार्ट को उठा के उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करना, और साथ में मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।